मुँ सुशुश्री पात्र जिला प्रतिनिधि डुमाणी टीवी अनुगुल। आज 6 मार्च बुधवार दिन एमसीएल भरतपुर एरिया श्रमिक संगठन एआईटीयूसी तरफ दिवंगत श्रमिक नेता वीरमजी नारायण पाणी प्रतिमूर्ति अनावरण सहित एआईटीयूसी एक सभागृह को अतिथि मानंग द्वारा उद्घाटित हो उत्सव मुख्य अतिथि रूपे एमसीएल डायरेक्टर पर्सनाल श्री केशव राव जोगदे समस्त को उत्साहित करी अवसर में अतिथिगण एवं दिवंगत श्रमिक नेता श्री वीरमजी नारायण पाणी झील मैंने कौन कहते आसतु सुनवा। मैं नियमित रूप से तालचेर कोलफील्ड्स में आता रहता हूँ। यहाँ पर कोयला उत्पादन से संबंधित समस्याओं का रिव्यू करने के लिए, साथ ही जो श्रमिक बंधु हैं उनके लिए जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनका रिव्यू करने के लिए मैं आता हूं, और इसी कारण से मैं इस बार भी आया था। साथ में मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला कि एक महान श्रमिक नेता जिनके प्रति दिल में हमारे श्रमिकों के बहुत बहुत सम्मान है, उनकी मूर्ति का अनावरण के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है और ये श्रमिकों को प्रेरित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और सभी के दिल में उनके प्रति बहुत सम्मान है। मैं इस अवसर पर सभी श्रमिक बना हूँ मनोज कुमार दास सड़ा है से मेड़े हे आई मसीहर पचस्तरी मसीह सहित मुझे जड़ित अच्छी बयासी तेयासी मसीह से सर्वप्रथम चिंता कले कि कलेरी से गोटे औषध दुकान ना जोटा कि लोक मैंने बहुत असुविधा होती बहुत बाटर मेडिसीन सब अच्छी प्रकार चिकित्सा सुविधा ना एफ सी आई केवल हस्पिटा अच्छी कौन से दुकान ना एफ सी आई दुकान कर चिंता करें मतलब से कहे आम ये मेडिसीन दुकान देवा चल सी प्लस टू रखिए कथा मानि प्लस टू सारे मेडिसीन दुकान टे देली मेडिसीन सेवा पाया मोदी दिन रात मेडिसीन दुकान खोल कहते बहुत दूर गई बहुत लोग आसती कलम छुए कपाल कसा अनुकूल सबुआ सी आसती से त्याग से मेडिसीन सेवा स्वास्थ्य सेवा कल्याण मध्य बहुत बहुत धन्यवाद और से सब सब जाने इंडियन देश के परिश्रम से करते सब आस। आज 6 मार्च 2024 को हम लोग भरतपुर ब्रांच हमारे कॉमरेड स्वर्गीय वीरमजी नारायण पाणी की एक मूर्ति का अनावरण किया गया। उनका मूर्ति का अनावरण वो जो श्रमिक के प्रति एवं उन्होंने जो कार्य किए हैं एक श्रद्धांजलि है, एक छोटी सी श्रद्धांजलि है, और हम लोगों ने उनको देने का प्रयास किया है और हम लोग उनसे यही सीख लिया है कि आगामी दिन में वीरमजी नारायण पाणी जैसा हम लोग भी उनका अनुसरण करें, श्रमिकों का काम करें, श्रमिकों का हित में काम करें। नमस्कार, धन्यवाद। मैं श्रीयुक्त वीरमजी नारायण पाणी जी के बेटी हूँ, छोटी बेटी हूँ, और आज हम लोग यहाँ पे निमंत्रित हुए हैं। बाबा का एक स्टैचू इनॉग्रेट हुआ, इसीलिए हम लोग इनवाइट है। और बाबा के लिए पापा के लिए क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ मेरे स्पीच में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बोलती हूँ, जितना बोलूँगी तो ख़त्म नहीं होगा। हम छोटे से पापा को देख रहे हैं, पापा सेवा और डेडिकेशन और हार्डवर्क तीन चीज़ को अपना प्रायोरिटी मानते थे, जो कि पापा अपने जीवन में कभी अपने लिए नहीं सोचे। वो आनंद होते थे, खुश होते थे लोगों का सेवा करते, क्योंकि लोगों का जितना वो सेवा कर पाते थे वो उतना खुश हो जाते थे। तो जैसे कि वो श्रमिक नेता के हिसाब से माने जाते थे और लोग उनको जितना प्यार देते थे तो हम बोल नहीं सकते आज। और आज यहाँ आके पता भी चल गया, मतलब बाबा की कहानी में बोल रही हूँ, पापा तो एडवोकेट थे, पापा को एडवोकेट का जो एक मिला था एग्जीक्यूटिव पोस्ट, वो भी पापा ने अपने यूनियन के लिए, अपने श्रमिक भाई को, मजदूर लोग भाई लोग को सेवा करने के लिए वो भी त्याग कर दिए। बोले मैं ये लूँगा ये पोस्ट तो मैं कभी उन लोग इमोशनल भी लगुच कह पड़ से सब बेले मान निज देहर भी जत्न नि सब बेले से यूनियन रे ही सब कर्म सब यूनियन रे ही थाए आ
से जन थिले इनर जन फलो लीडर थिले आ ताकर परिवार को जति न देखंती किंतु लोकन को से बहुत भल पांती आ भल पाइबा भी देई चंती लोकन पई से स्मरणीय आज केमती अनुभव हो छि आपन आज तांकर जो तांकर इस मूर्ति स्थापन देख बहुत खुशी लगला बहुत आनंद लगला बापा सब बेले मो बापा आसती मुझे सी भरतपुर रहे ना बापा सब बेले आसती मत सब कथा सेयार करती कौटे कौन हो कौन हुए सब मत कहते तो सी गोटे फ्रेंड हिसाब से मोर थे बापा तो नुहति से मोर सांग सब कथा मुझे फ्रेंड हिसाब से ही कहे कि सब मुझे बाबा तुम देह देख सब बड़े तुम्हें Oh, 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 oh